सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि दोस्तों आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, हम लोग अपने YouTube चैनल के दोस्तों अपना जो YouTube चैनल होता है उसके दोस्तों हम लोग अपने YouTube चैनल आर्ट को कैसे बना सकते हैं, यानी दोस्तों हम लोग अपने YouTube चैनल का जो दोस्तों चैनल आर्ट होता है उसे हम लोग कैसे बना सकते हैं। लेकिन मैं दोस्तों आज आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊँगा दोस्तों आप लोग कैसे बना सकते हो। अगर दोस्तों आप लोग अपने YouTube चैनल के लिए आप लोगों का फिर से बंदर इमेज बनाना नहीं आता है, या फिर आप लोगों को अपने YouTube चैनल के बंदर इमेज बनाना नहीं आता है, तो आप लोग कैसे बना सकते हो, यही मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों अगर आप लोग बनाना नहीं आता है तो आप लोग हमारी वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू। सो दोस्तों, हमें जो अपने YouTube चैनल की जो दोस्तों चैनल आर्ट बनाना है दोस्तों, वो कैसे बनाना दोस्तों, सबसे पहले आपको जाना है अपने क्रोम ब्राउजर पे एडवांस। दोस्तों आप सभी लोगों दोस्तों YouTube चैनल बैनर आर्ट के नाम से दोस्तों आपको सर्च कर लेना है। और दोस्तों आप लोगों कोई भी इमेज ठीक है दोस्तों आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों वह इमेज दोस्तों कैसे आप लोग डाउनलोड करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप लोग कुछ इस प्रकार का आप लोगों को दिखेगा गूगल फोटोज में, आप लोगों को उसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। एंड डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप लोगों को दोस्तों क्या करना है ना, यहाँ पे दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पे मैंने दोस्तों अपना बनाया, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आप लोग क्या करना है कि दोस्तों ऐसे आप लोगों का भी रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग क्या काम करना है कि यहाँ पे दोस्तों जो आप लोग इतना एरिया दिख रहा है, इतना एरिया ठीक है, जो आप लोग को ऑरेंज का जो आप लोग एरिया दिख रहा है कलर का, इतने में दोस्तों आप लोग अपना पूरा जो है बैनर इमेज बनाना, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को अपना फोटो लेना है और दोस्तों उसका बैकग्राउंड को हटाना, ठीक है। एंड बैकग्राउंड हटाने के बाद दोस्तों आप लोगों को जाना प्लस आइकन में, और फिर यहां से आप लोग जाना फ्रॉम गैलरी में। एंड दोस्तों गैलरी में जाने के बाद दोस्तों आप लोगों को डाउनलोड में आना है, और दोस्तों आप लोग अपना जो भी फोटो डाउनलोड किए हो बैकग्राउंड हटा के आप लोग उसको यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को नहीं पता कि आप लोग बैकग्राउंड कैसे हटाया जाता है, तो दोस्तों मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ दोस्तों, जिसका नाम है रिमूव बीजी, ठीक है। आप लोगों को सर्च कर देना है और दोस्तों इससे आप लोगों का जो फोटो का बैकग्राउंड हट जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको इस फोटो को दोस्तों इसका जो जितना दोस्तों ऑरेंज का एरिया है इतने के अंदर आप लोग अपने फोटो को बढ़िया से लगाना, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसे लगा देना, ठीक है दोस्तों। एंड लगाने के बाद थोड़े से नीचे करना है, और नीचे करने के बाद दोस्तों फिर आप लोगों को एकदम तो साइड से लगाना, ठीक है, ताकि दोस्तों कोई भी दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे इतना लगाने के बाद तो फिर आप लोग क्या करना कि दोस्तों आप लोग दोस्तों जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे लगाया हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। ऐसे दोस्तों अगर आप लोग कुछ भी लगाना चाहते हो आप लोग लगा सकते हो। यहाँ पे दोस्तों मैंने लिखा, ठीक है। एंड दोस्तों हमें इसी के अंदर बस रखना, ठीक है। एंड रखने के बाद दोस्तों फिर हमें दोस्तों जो और भी चीज़ें लिखना आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पर दोस्तों जैसे दोस्तों मेरा भी 1000 सब्सक्राइबर नहीं कंप्लीट हुआ है, यहाँ पर दोस्तों मैं लिखा हूँ 1000 सब्सक्राइबर रेट, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग भी ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने लगा दिया है। लगाने के बाद दोस्तों फिर आप लोगों को क्या काम करना है दोस्तों, फिर आप लोगों को दोस्तों ऐसे थोड़ा नीचे करना, एंड इसे दोस्तों थोड़ा ऐसे एडजस्ट कर देना, ठीक है। एंड एडजस्ट करने के बाद दोस्तों फिर आप लोगों का ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसे दोस्तों थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। एंड ऊपर करने के बाद दोस्तों आप लोग को इस प्रकार से ऐसे आप लोगों को दिखेगा, ठीक है। एंड इसे आप लोगों को दोस्तों क्या करना है, एंड इसे दोस्तों आप लोगों को सेव करना है। एंड सेव करने के बाद दोस्तों फिर आप लोगों को आना है बैक, ठीक है। एंड बैक आने के बाद दोस्तों फिर आप लोग क्या करना है, फिर आप लोगों को दोस्तों अपना क्रोम ब्राउजर, ठीक है, ओपन करना है, ठीक है दोस्तों। आप लोग अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना, एंड ओपन करने के बाद दोस्तों आप लोगों को सर्च कर देना है youtube.com, ठीक है। एंड youtube.com सर्च करने के बाद दोस्तों आप लोगों को उस चैनल को दोस्तों लाना है दोस्तों, जिस चैनल पे दोस्तों आप लोग जो है अपने पे लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि दोस्तों जो आइकन मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे दोस्तों वो आइकन यहाँ पे छप चुका है, ठीक है। आप लोग दोस्तों लाइव देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों वो आइकन छप चुका है, ठीक है। दोस्तों हमें अब आगे क्या करना है, हमें दोस्तों अपना जो दोस्तों बैनर आर्ट लगाने के लिए हमें कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर हमें हमारे यूट्यूब स्टूडियो पर डायरेक्ट मोड़ दिया, ठीक है। एंड मोड़ने के बाद दोस्तों फिर हमें यह डायरेक्ट दोस्तों दूसरे वेबसाइट पर पहुँचा देगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें जो मेन काम करना दोस्तों हमें मेन काम यहीं से करना, ठीक है, अकाउंट studio.youtube.com, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा वेबसाइट दोस्तों वो यहाँ पे चला गया है। एंड जाने के बाद दोस्तों आप लोगों सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप लोग पूरा समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को आना है ब्रांडिंग में, एंड ब्रांडिंग में आने के बाद दोस्तों फिर आप लोग यहाँ पे क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर आप लोगों सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है बैनर इमेज, ठीक है। तो आप लोगों को चेंज पे क्लिक, मतलब दोस्तों अगर आप लोगों का नहीं रहेगा ना, तो यहाँ पे दोस्तों लिखा रहेगा सेटस, ठीक है, या फिर दोस्तों लिखा रहेगा चेंज, ठीक है।
तो दोस्तों आप लोग कोई भी लगा दीजिएगा जो आप लोग का मन कहे, लेकिन दोस्तों हमें बेहतर इमेज लगाने के लिए हमें चेंज पे क्लिक करना है। दोस्तों अगर आप लोग का लगा रहेगा तो आप लोग यहीं पे क्लिक करके लगा लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं मान लीजिए लिखता हूँ चेंज पे क्लिक करेंगे हम लोग, यानी क्लिक करने का दोस्तों हमें उस इमेज को चूज कर लें दोस्तों, इस इमेज को हमें लगाना, ठीक है। तो आप लोगों को ब्राउज में आने, ब्राउज में आने के बाद दोस्तों आप लोगों को अपना इमेज मिल जाएगा, ठीक है। एंड मिलने के बाद दोस्तों फिर आप लोग अपना इमेज जो है सेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इस फोटो को लिया है और लेने के बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होता है, ठीक है। तो यह दोस्तों हमारा जो है यहाँ पे ऐसे सो जाए, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों को ऐसा ही करना, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आप डन कर दीजिएगा। एंड डन करने के बाद दोस्तों फिर हमें क्या करना दोस्तों, फिर हमें जो है पब्लिश वाले आइकन पे क्लिक करके फिर हमें सेट कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों मेरे पब्लिश वाला आइकन आप क्लिक करेंगे दोस्तों कुछ देर के बाद आपका सेट होगा, ठीक है। एंड यहाँ से दोस्तों फिर हमें जो है क्या करना है, हमें दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल पर आना है। एंड आने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि दोस्तों मेरे चैनल पर दोस्तों लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि मेरे चैनल पर लगा कि नहीं लगा। तो हमें दोस्तों अपना YouTube एप्लीकेशन ओपन करना है। एंड ओपन करने के बाद तो हमें अपने चैनल पे आना एंड हमें यूर चैनल पे जाना, ठीक है। एंड यूर चैनल में जाने के बाद दोस्तों फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि दोस्तों मेरे चैनल पर लगा कि नहीं लगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लग गया। तो चलिए शुरू करते हैं 1000 सब्सक्राइबर रेस। तो दोस्तों आप लोग इस प्रकार से अपने यूट्यूब चैनल दोस्तों बैनर आर्ट को लगा सकते हो। तो गाइस बता सके वीडियो में इतना, तब क्लेश वंदे मातरम, जय हिंद।